हेलो फ्रेंड्स, हम आज एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट के कास्ट को एस्टिमेट करने के लिए। आपके पास रिक्वायरमेंट टू द प्रिपेयर द एस्टिमेट, आप कोई भी एस्टिमेट प्रिपेयर करते हो तो आपके पास क्या क्या चीज़ होना चाहिए जिसके वजह से आप आसानी से एस्टिमेट को प्रिपेयर कर लीजिए। तो आपके पास सबसे पहले होगा ड्राइंग विथ प्लान, एलिवेशन एंड क्रॉस सेक्शन, यानी आपके पास ड्राइंग होता है। ड्राइंग में तीन चीज़ें दी होती है। पहला, ड्राइंग में कोई भी बिल्डिंग यदि बनवा रहे हैं तो उसका आप एक प्लान दिया रहेगा, उसका एलिवेशन दिया रहेगा और उसका क्रॉस सेक्शन व्यू दिया रहेगा, यानी प्लान व्यू, एलिवेशन व्यू और क्रॉस सेक्शन व्यू। और दूसरा आपके पास होगा SSR या SDB। SSR क्या होता है? आपका स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट होता है। और SDB क्या होता है? स्टैंडर्ड डेटा बुक। यानी आपके पास दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना जरूरी है, एक ड्राइंग विथ प्लान एलिवेशन एंड क्रॉस सेक्शन, दूसरा SSR या SDB यानी स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट या स्टैंडर्ड डेटा बुक। आपका जो ड्राइंग विथ प्लान एंड एलिवेशन होता है, इसमें क्या क्या जिया मतलब इसको हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारा GAD होता है, TAD होता है और स्ट्रक्चरल ड्राइंग होता है। जो GAD ड्राइंग होता है उसको हम जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग बोलते हैं, जो TAD ड्राइंग होता है उसको हम टेम्पोरली अरेंजमेंट ड्राइंग बोलते हैं, और हमारा थर्ड स्ट्रक्चरल ड्राइंग होता है। और GAD ड्राइंग में क्या होता है फ्रेंड्स, इसका थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, एक्सप्लेनेशन हम थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। इसमें हम जो GAD ड्राइंग होता है, इसमें आपका हर एक चीज का पोजीशन का लोकेशन दिया होता है कि आपका स्टेयर का रूम मतलब स्टेयर आप यहाँ जाएगा, आपका किचन यहाँ होगा, आपका बाथरूम यहाँ होगा, आपका बेडरूम यहाँ होगा, आपका मास्टर रूम यहाँ होगा। हर एक चीज का क्या करता है उसमें लोकेशन डिफाइंड होता है। उसके बाद फ्रेंड्स उसमें ये भी चीज दी होती है कि आपका जो बेडरूम है उसकी साइज क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है, ये सब आपका इसमें बड़े अच्छे तरह से दी होती है। किसमें? GAD ड्राइंग यानी जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। जो आपका TAD ड्राइंग होता है इसको हम टेम्पोरली अरेंजमेंट ड्राइंग बोलते हैं, हम जनरली यूज नहीं करते हैं। और तीसरा जो हम यूज करते हैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग होता है। जो आपका स्ट्रक्चरल ड्राइंग होता है इसमें क्या क्या दिया रहता है, इसमें आपको देखिए ऐसा आपका स्ट्रक्चर बना होता है, इसमें आपको क्या क्या डिफाइन कर सकते हो। आप पहले ये डिफाइन कर सकते हो कि इसमें ये हमारी मेन एरिया है, यानी मेन रेनफोर्समेंट है, ये आपका शियर रेनफोर्समेंट है, तो इसमें मेन रेनफोर्समेंट की क्वांटिटी कितना होगा, यानी एरिया कितना हमें रिक्वायर्ड होगा स्टील इसको बनाने के लिए, हमें शियर रेनफोर्समेंट करने के लिए कितना एरिया मतलब कितना हमें स्टील प्रोवाइड करना पड़ेगा, और इसकी विड्थ क्या होगी, इसकी थिकनेस क्या होगी, इसकी डेप्थ क्या होगी, ये सब फ्रेंड्स आपका स्ट्रक्चर डिजाइन में सब कुछ क्लियर होता है, यानी सब कुछ दिया होता है। आपको ये सब देख के ही स्ट्रक्चर क्या करना पड़ता है, साइड पर बनवाना पड़ता है। तो हम इसके बारे में सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ड्राइंग विद प्लान एंड एलिवेशन, GAD ड्राइंग यानी जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, शो द ओवरऑल शेप एंड साइज ऑफ द स्ट्रक्चर विद डिटेलिंग द स्पेसिफिक डायमेंशन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल एंड वर्क। यानी इसमें आपका शेप एंड साइज दिया रहता है, कोई भी स्ट्रक्चर आप बनवा रहे हैं उसका शेप एंड साइज दिया रहेगा और फिक्चर स्ट्रक्चर्स विथ डिटेलिंग द स्पेसिफिक डायमेंशंस एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल एंड वर्क। यानी आपका शेप एंड साइज, मान लीजिए ऐसे आप एक प्रोजेक्ट है आपकी, मैप है उसका, एलिवेशन या ड्राइंग है, तो इसमें देखिए इसकी डायमेंशन दी है। आप एक बेडरूम वन है, इसकी बोली है कि इसकी लेंथ जो है 12 फिट है और इसकी जो विड्थ है वो 10 फिट है, इसकी थिकनेस भी सब कुछ दी होती है, यानी सेफ फ्रेंड्स इसके डिफाइन है, ये कौन सा सेफ है, रेक्टेंगल है। आपका टॉयलेट बाथरूम ये लगभग हमारा क्या है, एक स्क्वायर शेप का है। मास्टर बेडरूम है, स्टोर रूम है, किचन है, डाइनिंग रूम है, गेस्ट रूम है, एंट्रेंस हॉल है, लिविंग रूम है, बेडरूम टू है, ठीक है, टॉयलेट एंड बाथरूम है। हर एक चीज का फ्रेंड्स लोकेशन हमने बताया था कि GAD ड्राइंग में हर एक चीज का लोकेशन डिफाइन होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए इसका साइज भी डिफाइन होता है, कितने साइज का आपका
कंस्ट्रक्शन कराना है कहाँ पर, साइट पे यानी फील्ड में। और उसके बाद साइज विधि होती है विद डिटेलिंग द स्पेसिफिक डायमेंशन। देखिए इसकी हर एक की स्पेसिफिक डायमेंशन है, कौन कितना फिट और कितना फिट लंबा, कितना फिट चौड़ा होगा। और उसकी थिकनेस विधि होती है फ्रेंड्स हर चीज की। और मटेरियल एंड वर्क, और इसमें कौन सा हमें मटेरियल लगाना है, जैसे यहाँ पर हमें विंडोज देना है, यहाँ पर डोर देना है, विंडोज प्रोवाइड करना है, डोर प्रोवाइड करना है, ये सब की मटेरियल एंड वर्क, कितना वर्क हमें कराना है। वर्क का इम्पोर्टेंस सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको फ्रेंड्स वर्क भी कराना होता है। तो उसके लिए आप वर्क कराने का मतलब क्वांटिटी, यानी हमें क्वांटिटी ज्ञात करनी है कि हमें ये चीज बनवाने के लिए, मान लो आपको बेडरूम वन बनवाना है, तो बेडरूम वन बनवाने के लिए आपको कितना मटेरियल लगेगा इस बेडरूम वन को बनवाने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्वांटिटी निकालने के लिए हमारे पास कई मेथड होते हैं। जैसे आपने अभी पढ़ेंगे लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड, आउट टू आउट या इन टू इन मेथड, सेपरेट या इंडिविजुअल मेथड, ये तीनों एक ही मेथड को बोलते हैं। दूसरा होता है सेंट्रल लाइन मेथड, तीसरा होता है क्रशिंग मेथड या पार्टली सेंट्रल लाइन मेथड। जो आपका यहाँ पर तीन मेथड है फ्रेंड्स, जिसको दो को तो कई नामों से जाना जाता है, ये लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि ये हमारा जहाँ पर रिटेंगल स्ट्रक्चर्स होता है, जहाँ पर भी रिटेंगुलर स्ट्रक्चर्स होता है, वहाँ पर हम हमेशा लॉन्ग वॉल या शॉर्ट वॉल मेथड यूज करते हैं। आपकी जितने भी सरकारी डिपार्टमेंटल होते हैं, वो ज़्यादातर, जैसे आपकी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो PWD हो, डिपार्टमेंट होता है, वो कौन सी मेथड का यूज करता है, तो वहाँ पर लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का मेथड यूज किए जाते हैं जितने भी हमारे सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं। यदि आपका ऐसा स्ट्रक्चर से फ्रेंड्स आपने स्ट्रक्चर बनवाया और यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ आ गया, सर्कुलर पाथ की वजह से आपका इसमें कैलकुलेशन करना थोड़ा इजी नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप यहाँ पर फ्रेंड्स सेंटर लाइन मेथड का यूज करेंगे। सेंटर लाइन मेथड से क्या होता है फ्रेंड्स, इसका कैलकुलेशन इजीली हो जाता है कंपेयर टू द लॉन्ग वॉल या शॉर्ट वॉल मेथड। तो ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पर हमारा सर्कुलर आ गया, सर्कुलर आ जाए, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स आ गया या टोपोजाइडल स्ट्रक्चर आ गया, तो उसके लिए हमेशा आप सेंटर लाइन मेथड प्रेफर करिए। और तीसरा है क्रशिंग मेथड या पार्टली सेंटर लाइन मेथड, ये जनरली कहीं भी आप यूज कर सकते हो। यानी पहला जो मेथड था फ्रेंड्स, वो PWD डिपार्टमेंट, यानी जितने भी हमारे गवर्नमेंट होती है यानी सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं, वो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का मेथड का यूज करते हैं। और सेंटर लाइन मेथड जहाँ पर हमारे स्ट्रक्चर सर्कुलर आ गया फ्रेंड्स, या तो रेक्टेंगल आ गया या हेक्सागोनल आ गया, तो वहाँ पर हम सेंटर लाइन मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप GAD डालेंगे, क्वांटिटी निकालेंगे, क्वांटिटी निकालने के लिए आप इन तीनों मेथड का, किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो कि हमें कितना क्वांटिटी का, क्योंकि फ्रेंड्स आप यहाँ के क्वांटिटी निकालते हो, आपके पास स्टैंडर्ड डेटा बुक, जैसे आप ये क्यूमिक में निकालते हो या तो स्क्वायर मीटर में निकालते हो, तो यहाँ के बाद आपके पास स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट होता है, स्टैंडर्ड डेटा बुक होता है, वहाँ पर हर एक क्यूमिक का रेट दिया होता है। जैसे 25 RS 25 रुपये पर क्यूमिक, यानी कोई वर्क कराना तो उसके 25 रुपये पेमेंट करेंगे वन क्यूमिक के लिए। ये हमने फ्रेंड्स एग्जांपल लिया, तो आप क्या करो मल्टीपल कर दो, तो आपको पता चल जाता है कि आपको कितना पेमेंट लगेगा इस काम को कराने के लिए, कितना इतना क्यूमिक, कोई भी क्यूमिक है, वन क्यूमिक है, तो आपको 25 रुपये देना पड़ेगा, वन क्यूमिक आपका काम हो जाएगा। तो हमारे क्यूमिक क्वांटिटी कहाँ से पता चला, हमारी क्वांटिटी GAD ड्राइंग से पता चल गया। अब हम देखते हैं GAD ड्राइंग का दूसरा जो पार्ट है, दूसरा हमारा फ्रेंड्स देखिए आपका यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर से, जैसे हर एक चीज डिफाइन होता है आपका, कि यहाँ पर हमें एक हॉल बनाना है जहाँ पर हमें गाड़ी को पार्किंग करना है। तो यहाँ पर देखिए आपकी ये हॉल साइज का है, जहाँ पर आपको पार्किंग स्ट्रक्चर कराना है, ये आपकी दो विंडो साइड है, तो ये आपकी दो विंडो साइड यहाँ पर है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, और जबकि एलिवेशन है फ्रेंड्स, ये बनने के बाद ऐसा प्लान दिखता है, ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, यानी ये हमारी ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर ये वाला फ्लोर बनेगा, फर्स्ट फ्लोर है, और जब हमारी बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी फ्रेंड्स, तो हमारी सीधा ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी। हमारा एक टॉप व्यू देखिए, 3D फॉर्मेशन है, इसका नहीं है फ्रेंड्स, इसका ड्राइंग अलग है, इसका ये अलग से मैंने लिया है आपको। इसमें देखिए हर एक चीज को आपने पहले से GAD ड्राइंग में डिफाइन कर दिए हैं, कि आपकी देखिए यहाँ पर आपने बाथरूम प्रोवाइड किया, यहाँ पर रूम है, यहाँ पर आपकी डिनिंग हॉल टाइप का, यहाँ पर फ्रेंड्स रूम है आपकी, यहाँ किचन बाथरूम फ्रेंड्स आपने दे दिया है, तो बाथरूम दे दिया,
आप यहाँ पर रहने के लिए, जो कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बनाएंगे फ्रेंड्स, फर्स्ट फ्लोर पर ही, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पर जीना जिसको बोलते हैं, आगे निकाल दिया जाता है इस पर आप रहने के लिए। एक ग्राउंड फ्लोर पे भी बनाया जाता है फ्रेंड्स, जनरली फर्स्ट फ्लोर पे भी बनाया जाता है। अब हम देखते हैं दूसरा टाइप, दूसरा हमारा जो होता है टीएटी ड्राइंग होता है, जिसको हम टेम्प्रोरी अरेंजमेंट ड्राइंग बोलते हैं। इसको हमने बोला कि आप इसको कंस्ट्रक्शन वर्क या ड्राइंग प्रिपेयर करने में नहीं यूज करते हो। तीसरा जो है स्ट्रक्चरल ड्राइंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्राइंग फ्रेंड्स, दो पहला भी इंपॉर्टेंट था, तीसरा भी इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग, ए टाइप ऑफ द इंजीनियरिंग ड्राइंग, इज ए द प्लान प्लान या सेट ऑफ द प्लान एंड डिटेल हाउ मच द बिल्डिंग या अदर स्ट्रक्चर विल बिल्ड, मानी बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, इसमें ये डिफाइन होता है। जैसे आपको एक फुटिंग बनाना है, तो फुटिंग बनाने के लिए आपको फुटिंग की जो साइज है उसमें कितना रेनफोर्समेंट यूज करोगे, आप कितना डिस्टेंस पर फ्रेंड्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे, उसके बाद उसकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स, उसमें रेनफोर्स की कितनी डाया होनी चाहिए, कौन सा डाया का रेनफोर्समेंट देना है, कौन से डाया का मैं शियर रेनफोर्समेंट देना, हर एक चीज फ्रेंड्स इसमें स्ट्रक्चरल ड्राइंग में डिफाइन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर शियर रेनफोर्समेंट आपने प्रोवाइड किया, तो इसका डाया होगा, इसका स्पेसिंग होगा, और इसके फ्रेंड्स इसके बाद आपकी इफेक्टिव डेप्थ दी होती है, मतलब हर एक स्ट्रक्चर पर। बीम बनाना, आपको बीम की इंटरनल रेनफोर्समेंट से लेके उसकी विड्थ, उसकी थिकनेस, यानी थिकनेस मतलब डेप्थ कितनी आपको प्रोवाइड करनी है। जैसे आपको यहाँ पर डेप्थ दिया, इतना डेप्थ का देना है, इतनी विड्थ का, ये सब इसी इसी ड्राइंग के हेल्प से फ्रेंड्स आप क्या करते हो, जब आप साइट पर जाते हो, जैसे आपने साइट पर गया, तो आप जाने के बाद ये देखोगे कि ये बीम हमने जो ड्राइंग में प्रोवाइड की है क्या है हमारा एग्जैक्ट, देखिए आपका सेम है सेम जाके फील्ड में उतरना चाहिए, ऐसा चीज होना चाहिए। हमने यहाँ कितना रेनफोर्समेंट का बार दिया है, ये हमारे यहाँ पर उतना ही रेनफोर्समेंट का बार प्रोवाइड होना चाहिए। तो ये सब देख के हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल ड्राइंग के हेल्प से हम क्या करते हैं, इसमें क्वांटिटी ये भी निकाल सकते हैं कि हमें कितना रेनफोर्समेंट देना है, उसके लिए हमें कितना पेमेंट देना पड़ेगा, और रेनफोर्समेंट का रेट जो होता है फ्रेंड्स वो स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट या स्टैंडर्ड डेटा बुक में होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट या स्टैंडर्ड डेटा बुक। पहला हमारा था स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट या आर, यानी दोनों फ्रेंड्स एक ही होता है, या स्टैंडर्ड डेटा बुक हर एक डिपार्टमेंट के पास, जैसे हमारी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, एलएनटी है, जितने भी प्राइवेट कंपनी होती है फ्रेंड्स, कितनी भी सरकारी कंपनियां होती है जो कंस्ट्रक्शन वर्क कराती है, उनके पास स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट या स्टैंडर्ड डेटा बुक उनके पास होता है। उस आप देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारे शेड्यूल ऑफ रेट होता है, स्टैंडर्ड डेटा बुक होता है, इसमें क्या क्या दिया होता है। तो आपका प्रेजेंट रेट ऑफ द मटेरियल दिया रहेगा, मैन प्रेजेंट रेट ऑफ द मैन पावर। अब देखिए, पहला हमारा क्या है, प्रेजेंट रेट ऑफ द मटेरियल। हमने बताया कि हर एक जगह, जैसे आपका फ्रेंड्स हर एक स्टेट में, हर एक प्लेस पर, स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ जाता है कि मटेरियल का जो रेट होता है वो डिफरेंट बैरी करता रहता है। अब जब बैरी करता है फ्रेंड्स, तो उसके हिसाब से क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है फ्रेंड्स, वो अपनी एक स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट या स्टैंडर्ड डेटा बुक बन प्रिपेयर करती है, जिसके वजह से वो क्या होती है, अब मटेरियल का उतना कास्ट वो प्रोवाइड करती है, यानी उसके हिसाब से वो पैसा निकाल लेती है। मान लीजिए आपको 100 बोरी सीमेंट लगना है, एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स लिए हैं, और एक बोरी का रेट 375 रुपये है, ठीक है, 100, तो आपको 100 करना है, तो आपको सीधा मल्टीपल कर देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है कि हमें कंस्ट्रक्शन यूपी में या किसी मथुरा प्लेस पर कराना है, तो मथुरा प्लेस पर यूपी में कितने सीमेंट का रेट है वो आपका स्टैंडर्ड डेटा बुक में दिया रहेगा, आप इसमें मल्टीपल करके उसका रेट निकाल लेंगे, तो यहाँ से भी आपकी क्या कास्ट निकल गई। ठीक है, और दूसरा आपका दिया रहेगा प्रेजेंट रेट ऑफ द मैन पावर, यानी जो वहां पर मैन पावर है जो काम करेगा हमारा, वो कितना एक दिन में कितना पैसा ले सकता है, यानी उसका रेट क्या होना चाहिए। एक दिन में 250 हमें देना पड़ेगा, या किसी को एक दिन में 500 देना पड़ता है मिस्त्री को, और मजदूर को फ्रेंड्स 300 देना पड़ता है, ये सब रेट पहले से डिफाइन होता है इसमें। ठीक है, अब देखिए इसी रेट के बैरी होने से फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारी जो स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट होता है और स्टैंडर्ड डेटा बुक होता है, ये प्रत्येक साल एवरी ईयर क्या होता है, ये नए नए मतलब प्रिपेयर किए जाते हैं, इसमें चेंजमेंट किया जाता है, क्योंकि हमारा जो मटेरियल का कास्ट है, मैन पावर कास्ट, ये बढ़ता जाता है या घटता जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें देखिए, जो प्रेजेंट रेट ऑफ द मैन पावर में हम मेट लेते हैं, मेसन लेते हैं, मजदूर लेते हैं, मिस्त्री लेके,
और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वन क्यूमिक कंक्रीट मोर्टार। मान लीजिए फ्रेंड्स आपको वन क्यूमिक काम कराना है तो उसमें एक चीज डिफाइन होता है कि वन क्यूमिक में आप कितना सीमेंट प्रोवाइड करोगे, कितना सैंड प्रोवाइड करोगे और कितना एग्रीगेट प्रोवाइड करोगे। ये आपका डिफाइन होता है पहले स्टैंडर्ड डेटा बुक में, सब कुछ लिखा होता है कि आप यदि वन क्यूमिक काम करा रहे हो तो आप 60 क्यूमिक ही क्या करोगे टोटल ड्राई मोटर का मिला के। फ्रेंड्स लगभग हमने एग्जाम्पल बताया आपको इतना आप इतने काम कराने के लिए, मान ली वन क्यूमिक करा रहे हो फ्रेंड्स तो वन क्यूमिक आपका क्या है बेट मोटर है, तो इसको आप ड्राई में कन्वर्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा ज्यादा आता है, 60 नहीं फ्रेंड्स, मान लीजिए आप 60 से कम आ गया लगभग फ्रेंड्स। जैसे आप आरसीसी काम करा रहे हो तो 1.53 आता है, आरसीसी वर्क कराना है तो 1.5 यानी इतना आपका ड्राई मोटर लगेगा। अब इतना ड्राई मोटर लाने के लिए आप कितना सीमेंट लाओगे, कितना सैंड लाओगे और कितना एग्रीगेट आप प्रोवाइड करोगे, ये सब कुछ इसमें डिफाइन होता है फ्रेंड्स। ठीक है कि आपको वन क्यूमिक कराना तो इतना प्रोवाइड करना पड़ेगा, इससे ज्यादा प्रोवाइड नहीं करना, इससे ज्यादा प्रोवाइड करेंगे तो आपका कास्ट बढ़ जाएगा यानी प्रोजेक्ट रेट बढ़ जाएगा। और चौथा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आउटटर्न। आउटटर्न से हमसे आपको ये पता चलता है फ्रेंड्स कि वहां पर जो मजदूर है एक दिन में कितने घंटा काम करेगा, वहां पर जो मिस्त्री है एक घंटे में कितना काम कर लेगा, तो ये सब हमारा आउटटर्न में दिया होता है। अब उसके बाद फ्रेंड्स हमने पढ़ा कि आपका SSR SDV दिया होता है, इससे हमने क्वांटिटी अरे रेट पता चल गया हर एक चीज का। और उसके बाद फ्रेंड्स आपके यहाँ के क्वांटिटी निकाल लेते हो स्ट्रक्चर का, इन दोनों का मल्टीपल कर लेते हो तो आपको जितने भी रिक्वायरमेंट प्रिपेयर एस्टिमेट ये हमने मतलब आपको ये पता चल जाता है कि हमें कितना रुपए पेमेंट करना पड़ेगा इस स्ट्रक्चर को बनवाने के लिए, हमें कितना पैसा पास कराना पड़ेगा इस स्ट्रक्चर को बनवाने के लिए। तो आप पहले टॉपिक में पढ़े रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर द एस्टिमेट, आपके पास क्या होना चाहिए प्लान विथ ड्राइंग विथ प्लान एलिवेशन एंड क्रॉस सेक्शन, और दूसरा स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट या स्टैंडर्ड डेटा बुक,